तो जी एस बी गोयल साहब की बुक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कैसे हैं सारे लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और जो भी कर रहे होंगे ना बहुत अच्छा कर रहे होंगे, है ना। कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे, जो भी पढ़ भी रहे होंगे बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे। आई थॉट ऑफ द डे एंड थॉट ऑफ द टॉपिक, थॉट क्या है? पुश हार्डर देन यस्टरडे इफ़ यू वॉन्ट अ डिफरेंट टुमारो। अगर आप कल बेहतर चाहते हैं तो आप बीते हुए कल से ज़्यादा मेहनत करें जिससे कि आने वाला कल आपका बहुत अच्छा हो। तो डेली अपने आप को इम्प्रूव करें। इसी के साथ बेस्ट कमेंट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। चेताक्षी दवे, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू, 10 out of 10। मैं ये सारे आंसर आपके पहले ही चेक कर चुका हूँ, स्टार स्टूडेंट। और भी लोग कमेंट करें, अच्छा लगेगा। 13 अप्रैल, डेली अपडेट ऑफ टॉप करेंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। आइए आगे देखते हैं कुछ टॉप टॉपिक्स। युक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया, क्या है आगे देखेंगे। ICMR ने 40 वैक्सीन को अंडर डेवलपमेंट कर दिया गया, ठीक है ना। 40 वैक्सीन अंडर डेवलपमेंट है, मतलब जिनका डेट फिक्स कर दी कितने में आ जाएंगी। नेशनल रूरल लाइवलीवुड मिशन, मतलब जो हमारे जो COVID-19 से लड़ने में जैसे सैनिटाइज़र हुआ और बहुत सारी चीज़ें हुई। सैनिटाइज़र तो खैर अलग ही चीज़ हो गया, सैनिटाइज़र को छोड़कर जो चीज़ें हुई जैसे कि मास्क हुआ, गाउन हुआ, हैंड ग्लव्स हुए, सारे आप वुमेन लाइवलीवुड मिशन को दे दिया गया। जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो बना कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वेलफेयर के लिए जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनके लिए, उनकी भलाई के, जैसे बड़े बड़े टेंट लगवा दिए, उनमें गद्दे वगैरह, खाना वगैरह सब कुछ होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5,000 करोड़ ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। एंड फ्री, इसके तहत क्या होगा? फॉर फ्री डिलीवरी ऑफ LPG 101 एनिवर्सरी, समझ गए, 101 एनिवर्सरी ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर मार्क्ड। कहने की बात क्या कि उसकी 101, समझ गए, 101 एनिवर्सरी है, 101 एनिवर्सरी जलियांवाला बाग का, ठीक है ना। 13 अप्रैल, इंडियाज़ फर्स्ट रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम सेटअप इन ऋषिकेश एम्स, ठीक है ना। एंड इंडो US IUSSTF टू एड्रेस COVID-19 चैलेंज। तो ये कुछ टॉप टॉपिक्स हैं, आपको ज़्यादातर 13 डेट जो 13 तारीख है उसके जो टॉप टॉपिक्स हैं वो ये हैं। अब इनको एक एक करके हम लोग थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे, इनके सिग्निफिकेंस जानेंगे और क्यों है ये न्यूज़ में ये भी जानेंगे, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं, युक्ति पोर्टल लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ठीक है ना। ये वेब पोर्टल है, किस लिए है, क्या है देख लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज़ लॉन्च युक्ति पोर्टल टू मॉनिटर इनिशिएटिव्स, ठीक है। युक्ति इज यंग इंडियन कॉम्बैटिंग COVID-19 विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। द पोर्टल विल रिकॉर्ड कवर मॉनिटर इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द कंट्री, ठीक है, समझ गए होंगे इसका काम क्या है। प्लीज़ नोट इट, द मेन एम ऑफ द पोर्टल इज़ टू एक्ट एज अ टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन अ इंस्टीट्यूशन एंड द मिनिस्ट्री, ठीक है ना। टू वे कम्युनिकेशन होगा दोनों की तरफ से। इट विल एक्ट एज ए प्लेटफॉर्म फॉर द इंस्टीट्यूट टू शेयर देयर नॉलेज अबाउट द चैलेंज फेस्ड एंड एनकाउंटर द COVID-19, ठीक है। द पोर्टल विल कवर सेवरल इनिशिएटिव of research and academics. It will also include social initiatives take for the betterment of the student. कहने की बात क्या है कि मतलब social initiatives भी चलाए जाएंगे इस तहत इस प्रोग्राम में जो पोर्टल बना युक्ति में, जिससे क्या होगी स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए, ठीक है। अब कहीं ना कहीं हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो इस युक्ति से कनेक्ट रहेंगे, ठीक है ना। युक्ति का फुल फॉर्म आपको पता चल गया होगा, है ना। और इसको क्या करना है, इस फुल फॉर्म को आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। आइए, ICMR मोर देन 40 वैक्सीन अंडर डेवलपमेंट ऑफ COVID-19, देख लेते क्या है। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑन April 12 अनाउंस दैट देयर आर मोर देन 40 वैक्सीन दैट आर अंडर ट्रायल करंटली इन इंडिया। मतलब इस टाइम कुछ 40 वैक्सीन हैं जो COVID-19 के ट्रायल में चल रही हैं, ठीक है ना। ऐसा ICMR ने बताया है इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है। PNI करूँ, इंडिया from the beginning had been focused on the preventive and contaminant measures. The research and development in the country were also directed toward the fulfill the exponentially rising shortage such as ventilator, sanitizer, personal protective equipment, protective equipment, testing kit, etc. ठीक है ना। A few researches
focused on vaccine and so far 40 type of research that currently under development in the country. तो उसमें मेन न्यूज़ हमारी क्या है? मेन न्यूज़ ये है कि रिसेंटली, मतलब अभी देखा जाए करेंटली 40 वैक्सीन हैं जो इंडिया में अंडर ट्रायल चल रही है, ठीक है? और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि ये ये जो हमारी जो वैक्सीन हैं डेवलपमेंट के लिए, ICMR हो चाहे हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक हो, मतलब समझ गए, वैक्सीन को छोड़कर और भी बहुत सारी चीज़ें तो हमारी सरकार लगी हुई है। तो आज जाके डेटा बताया, 13 अप्रैल की बात है, 12 तक डेटा गवर्नमेंट को पहुंचा दिया था कि 40 जो वैक्सीन है वो अंडर ट्रायल चल रही है, ठीक है? आइए अब बात कर लेते हैं, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी न्यूज़ लगी, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन PEPs by a वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको पूरा एक ये दे दिया गया कि क्या कहते हैं कि आपको इतना बनाना है, ठीक है ना? आइए, COVID-19 आउटब्रेक हैज ब्रॉट अ अनप्रेसिडेंटेड हेल्थ इमरजेंसी वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरी दुनिया में देखा जाए कि एक तरीके से इमरजेंसी का माहौल है, हर देश को कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत है। दिस इज़ क्रिएटेड अ ह्यूज डिमांड ऑफ PEP, पर्सनल प्रोस्पेक्टिव इक्विपमेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, एंड फेस शील्ड की भी, जैसे कि आप देख रहे होंगे, जैसा कि कोई एक आदमी है ना, पुलिस वाले हैं या डॉक्टर हैं, एक कैप है और आगे एक पूरा फेस शील्ड लगा होगा, कांच टाइप का, फाइबर टाइप का, ठीक है? टू फुलफिल दीज नीड, सेल्फ हेल्प ग्रुप स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया हैव नाउ स्टेप इनटू द प्रोडक्शन ऑफ PEPs एंड अदर मेडिकल एसेंशियल। तो जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑल ओवर द इंडिया में हैं उन सबको एक काम दीजिएगा कि आपको PEPs पे वर्क करना है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं अपने PNI सेक्शन की। अंडर द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन मोर देन 690 lakh सेल्फ हेल्प ग्रुप आर वर्किंग ऑल ओवर द कंट्री। दे हैव नाउ इमर्ज एज ए कम्युनिटी वॉरियर टू डिलीवर मास्क, पर्सनल प्रोस्पेक्टिव इक्विपमेंट, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड अफोर्डेबल सैनिटाइजर। तो ये WHO की बात मानते हुए कि इतने इतने परसेंट ही सारी चीज़ें चलेंगी, PEP बना ही रही हैं, साथ ही साथ जो सैनिटाइजर है वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पर लोगों को मुहैया करा रही हैं। द प्रोडक्ट आर बींग डेवलप अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन, बिल्कुल बोला था मैंने, proposed by WHO. Around 900 self-help group from 9 states are involved in the production. ठीक है? आइए अब PEP सब जानते हैं, आई नो, मैं जानता हूँ, आप सबको पता है, देखिए मास्क हुआ, ग्लव्स हुआ, गाउन हुआ, फेस शील्ड हुए, शू कवर हुआ, आई कवर हुआ, ये सारी चीज़ें। सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव प्रिपेयर्ड 5000 PEP किट सो फॉर, इट इंक्लूड एप्रन, फेस शील्ड एंड गाउन्स। सैनिटाइजर की बात कर लें, सेल्फ हेल्प ग्रुप आर डेवलपिंग सैनिटाइजर यूजिंग अल्कोहल 72%, ग्लिसरीन 13%, डिस्टिल वाटर 13%, बेसिल 2%, दे आर डिलीवर एट अफोर्डेबल प्राइस एज वेल। वाओ, बहुत अच्छा, 30 रुपीज़ पर लीटर, और यहाँ सिर्फ 100-200 ml 90-90 रुपये का मिलता है, ठीक है ना? सो फॉर 1.15 lakh liters ऑफ सैनिटाइजर हैव बीन डिलीवर्ड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आइए आगे देख लेते, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, थोड़ा सा जल्दी लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन ऑन द वेलफेयर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, जितने भी वर्कर हैं जो शहर छोड़ छोड़ के अपने गांव जा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा किया। देखिए एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आप सब लोग, मतलब हम सब भी कितने लकी हैं कि हमारे पास हमारा घर है, हमारे पास रहने के लिए छत है, हमारे पास रहने के लिए खाना है, डेली जब भी सोएं या सोकर उठें तो थैंक यू गॉड जरूर बोलें कि भगवान इतनी अच्छी ज़िंदगी, इतने अच्छे माँ बाप, इतने अच्छे लोग देने के लिए हमें, और खाना कभी भी थाली में ना छोड़ें, ठीक है ना? और जब भी खाना खाएं या खाना खाकर उठें तो जो थाली है उसको एक बार, मतलब समझ गए, ऐसे छूते नहीं, जब कहीं मंदिर वगैरह कहीं भी जाते हैं तो सिर से लगाते हैं, तो ऐसे छुएं ज़रूर कि हम बहुत लकी हैं जो हमें डेली सुबह दोपहर शाम का खाना मिल रहा है। लोगों से पूछिए जिनको सुबह का खाने का नहीं पता, शाम का खाने का नहीं पता, नहीं पता, ठीक है ना? तो सबसे पहले थैंक यू गॉड ओनली फॉर एवरीथिंग। चलिए आगे बढ़ते, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर has directed that the state union territories have welfare, take welfare measure for migrant in the country based on the direction of Supreme Court. And सबको आदेश दे दिया गया कि जितने माइग्रेंट हैं उन सब के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करें, कुछ ना कुछ नहीं, जो जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया वो भी, और आपके हाथ में जितना भी अच्छा कुछ करने का वो भी PNI करें। The central government recently extend the lockdown by demarcating the country into a red. मैंने अभी previous, अगर आप मेरे current affair का session देखेंगे 12 तारीख का, उसमें मैंने बताया red, orange, green में क्या होगा based on the intensity of the disease in the region. However, the migrant are to be kept in camp.
बहुत अच्छा, बहुत अच्छी व्यवस्था कराई गई, उनके कैंप बनाए गए हैं, है ना। उसमें उनको गद्दा, तकिया, खाना सब कुछ मिलेगा, पानी वगैरह हर चीज़। अर्लियर द गवर्नमेंट हैड रेस्ट्रिक्टेड द मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर हु इंटेंडेड टू शिफ्ट टू देयर होम एंड टाउन। कहने की बात क्या, जितने ही वर्कर जो पैदल या कैसे भी जा रहे थे इधर उधर अपने घर या कहीं भी, तो उनको रोक दिया गया जहाँ भी हैं, और जिधर भी जितने भी आपको वर्कर मतलब गवर्नमेंट को दिखे, तो उन्होंने उसी जगह उनके लिए टेंट, गद्दे वगैरह, खाना पानी सब चीज़ की व्यवस्था वहीं करा दी। ठीक है, आइए अब डायरेक्शन क्या रहे सुप्रीम कोर्ट के इसके लिए। द अपेक्स कोर्ट हैज डायरेक्टेड टू प्रोवाइड एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज, अरेंजमेंट फॉर फूड, सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। Also, the court directed the group leader belonging to all faiths should visit the camp to deal with the consternation faced by the migrant. कहने की बात क्या है, जो भी migrant हैं, है ना, उन सबको सारी व्यवस्था मिलेगी, और उसके बाद जो group leader type के leader, group leader बनाए जाएंगे, वो मतलब उस camp को visit करेगा, जिससे किसी भी तरीके की जो migrant है उनको किसी भी तरीके की कोई problem ना झेलनी पड़े। अगर problem पड़ रही है तो वो जाके बता सकते हैं। ठीक है, आइए माइग्रेंट वर्कर क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मतलब मुझे बहुत कष्ट होता है जब मैं ये सारी चीज़ें देखता हूँ, कि मतलब लोग, हम लोग देखिए कई बार हम लोग सोचते हैं अरे कैसा घर है मेरा, कैसा खाना बनाया मम्मी। आप इनसे पूछिए क्या इन्हें इस टाइम स्वाद की ज़रूरत है या इनके खाने की ज़रूरत है। देखिए आप एक बार इनका चेहरा देखिए, तो डेली थैंक यू गॉड बोलिए कि आपके पास छत है रहने के लिए, खाना सुबह शाम मिल रहा, खाना कभी ना वेस्ट करिए। ठीक है, आइए। देयर आर मोर देन 9 मिलियन माइग्रेंट वर्कर इन द कंट्री। They constitute 30% of national population. The Interstate Migrant Worker Act 1979 aimed to safeguard migrant in the country. किस तहत के, किस मतलब समझ गए, किस एक्ट के तहत जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको एक तरीके से, अगर वो जहाँ भी माइग्रेंट करें तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको पूरा हर तरीके से सेफ गार्ड करें, खाना भी दें, रहने की जगह भी दें, पानी भी दें। तो एक्ट 1979 के तहत, अच्छा क्वेश्चन बना इससे, आइए देख ले। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना के तहत क्या है, ₹5,000 करोड़ ट्रांसफर कर दिए गए, फ्री डिलीवरी एलपीजी की, फ्री डिलीवरी रहेगी। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो फॉर ट्रांसफर 5,000 करोड़ टू प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। दिस हैज बीन डन टू प्रोवाइड फ्री एलपीजी सिलेंडर टू पीएमयूवाई बेनिफिशियरी, जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनको एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में मिलेगा। ठीक है, वॉट इज द प्लान, अब प्लान क्या है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज हैड अनाउंस फ्री डिलीवरी ऑफ एलपीजी। अब जैसे क्वेश्चन आए, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो 5,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे फ्री एलपीजी के डिलीवरी के लिए, तो वो मतलब अगर बात की जाए तो किस पैकेज के तहत वो अनाउंस किए गए थे, तो पैकेज का नाम क्या था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत ये फ्री सिलेंडर और दाल वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें देने के लिए कहा है। अंडर दिस इनिशिएटिव फ्री एलपीजी रिफिल वर टू बी प्रोवाइडेड फॉर 3 months वाओ टू द उज्ज्वला बेनिफिशरीज, बहुत बढ़िया। दिस इज डन टू ईज द लाइफ ऑफ द पुअर ड्यूरिंग द लॉकडाउन। अंडर दिस इनिशिएटिव 1.26 करोड़ सिलेंडर वर बुक्ड एंड 85 लाख हैज बीन डिलीवर सो फॉर, जिसमें से 85 लाख जो है वो ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। बुक कितने हुए 1.26 और डिलीवर कितने हो गए अभी तक 13 तारीख की बात करें तो 85 लाख। द प्लान हैज इंक्रीज द डिमांड फॉर एलपीजी टू फुलफिल द डिमांड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया एंड अदर कंट्रीज टू फुलफिल द डिमांड ऑफ पुअर पीपल इन द कंट्री। ठीक है, मतलब जो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रजिस्टर है वो। ठीक है, आइए करंट सिनेरियो की बात करें। देयर आर 27.86 करोड़ एलपीजी कंज्यूमर इन द कंट्री, एलपीजी कंज्यूमर इन द कंट्री। ऑफ दिस PMU प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बेनिफिशरी के तहत कितने हैं, 8 करोड़। ठीक है, आइए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को थोड़ा सा जान लेते हैं। कब लॉन्च हुई, 2016 में, अच्छा क्वेश्चन। द स्कीम वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड एलपीजी कनेक्शन टू फैमिली बिलो द पॉवर्टी लाइन। अकॉर्डिंग टू WHO मोर देन 5 लाख वुमेन डाइड इन इंडिया ड्यू टू अनक्लीन कुकिंग फ्यूल। कहने की बात क्या है, WHO ये बोलता है इंडिया में तकरीबन 5 लाख वुमेन ऐसी मरी जो कि मतलब जो लकड़ी वगैरह कंडे वगैरह जलाते हैं, अनक्लीन कुकिंग फ्यूल, क्योंकि ज़्यादातर गांव में क्या देखा कि इतनी बड़ी बड़ी तो किचन होती नहीं है, छोटी सी किचन है। ठीक है, वहीं वो लकड़ी जला रही है, वहीं वो कंडे जला रही है, वहीं धुआं लग रहा है, खांस रही है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तकरीबन 5 लाख वुमेन, बहुत बड़ा एक नंबर है ये। तो उज्ज्वला योजना के तहत
और इसमें ये 2016 में जब लॉन्च हुई थी तो बहुत अच्छा अच्छा ऐड भी आता था कि लोग अपनी सब्सिडी छोड़ें, तो लोग बहुत सारे लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी भी जो गवर्नमेंट उनको रुपए देता था, तो उससे बहुत सारे लोगों की मदद भी। हैंस द स्कीम विल हेल्प इन द इम्प्रूविंग हेल्थ कंडीशन ऑफ वुमेन, रिड्यूस द कुकिंग टाइम एंड एफर्ट। 101 101 एनिवर्सरी ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर्स मार्ग। 2018 की बात करूँ, मैं गया था अमृतसर, मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैं अमृतसर जलियांवाला बाग में गया था। आज भी दीवारों पर गोलियों के निशान हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्क द एनिवर्सरी ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर्स ऑन April 13, 2020। द मैटर्स किल ऑन द डे एंड मिसाइलिसी आर रिमेंबर, मर्सिसली आर रिमेंबर। जितने भी लोग हैं उनको आज भी याद किया जाता है। आप अगर गेट में घुसेंगे, जलियांवाला गेट है, वो आज भी एक ही गेट है उस पार्क में घुसने का, और इतना छोटा सा ही गेट है। पीएम मोदी एंड अदर लीडर पे ट्रिब्यूट टू सच ग्रेट मार्टर्स। ठीक है, अब जलियांवाला बाग मिसकेयर्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑन April 13, 2020 बैसाखी डे, ठीक है, एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर द पीसफुल मीटिंग वॉज हेल्ड बाई 1,50,000 एंड 2 लाख, अराउंड 1.5 लाख से लेके 2 लाख तक लोग थे वहाँ पर जलियांवाला बाग में। और वहाँ पर किसी ने जानकारी दे दी कि जनरल डायर को एन ऑर्डर टू ओपन फायर एट द क्राउड दैट किल थाउजेंड्स द पीपल गैदर्ड इन द पार्क टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रॉलेट। जो रॉलेट एक्ट था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो साइलेंटली वहाँ पर बैठे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जनरल डायर वॉज ऑनर्ड बाई द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर द मिसकेयर्स, ठीक है ना, कि जाओ वहाँ पर जाके लोगों को मारो खुलेआम। This troubled the several leaders including Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore and Mark to start a liberation struggle. उसके बाद इस घटना के बाद जो जितने बड़े बड़े लीडर थे उन सबको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, और फिर उन्होंने यहाँ से एक तरीके से स्ट्रगलिंग लिबरेशन, मैंने समझ गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ाई करना यहाँ से और ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रॉलेट एक्ट की। रॉलेट एक्ट क्या है? द एक्ट एम्पावर्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू प्रिजन, मतलब किसी को भी बंद कर देना, अंडर अ सस्पिशन ऑफ टेरर। कहने की बात, अगर आपको कहीं भी लगता है, ऐसा नहीं कि हो ही, अगर आपको लगता है कि कोई बंदा संदिग्ध, अगर लगे कि टेरर की एक्टिविटी कर रहा है कोई, तो उसको आप मैक्सिमम 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं। ठीक है ना, पैनल वॉज सेटअप फॉर अ स्पीडी ट्रायल विद 3 हाई कोर्ट जजेस एंड देयर वॉज नो कोर्ट ऑफ अपील अबव द पैनल, और कोई आप अपील नहीं कर सकते एक बार अगर जेल में गए तो फिर 2 साल के लिए अंदर। The Act also placed a severe restriction on the press. अब इस एक्ट के तहत, रॉलेट एक्ट के तहत जो प्रेस थी उस पर भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थे कि आप ये न्यूज़ नहीं छाप सकते, ऐसा नहीं कर सकते, जो लोग जेल में बंद किए जाएंगे उनके बारे में आप जानकारी नहीं दे सकते। तो बहुत सारी चीज़ें हुई उस टाइम, तो इसलिए 13 अप्रैल को 101वां एनिवर्सरी था जलियांवाला बाग का, ठीक है, जिसमें जो मिसकैर्स मार्क आज भी वहाँ गोलियों के निशान आज भी, मतलब अगर आप, कैसे बताऊं, आज भी अगर आप जाके वहाँ महसूस करेंगे ना तो आपको चीखें सी महसूस होंगे वहाँ पर, मतलब आप जब उन गोलियों को देखेंगे, छुएंगे, आप आज भी वो आंखों से दिखती हैं गोलियाँ। तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बुरा हुआ उन लोगों के साथ, और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे वो लोग जो उन्होंने इतना स्ट्रगल किया हमारे लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आगे बढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम सेटअप इन ऋषिकेश एम्स। अब बात कर लेते हैं, इसलिए बोलता हूँ पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, देखते हैं क्यों। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स इन ऋषिकेश अलॉन्ग विद द वेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हैज सेट अप इंडियाज़ फर्स्ट रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। द सिस्टम इज टू बी वाइडली यूज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड टू मॉनिटर COVID-19 पेशेंट। याद रखिएगा ये चीज़, प्लीज नोट इट। द रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम अलाउ द डॉक्टर at AIIMS to monitor body temperature and oxygen of the patient remotely. मतलब अपने मोबाइल से ही रिमोटली वो ऑक्सीजन वगैरह सारी देख लेंगे पेशेंट में किस किस चीज़ का क्या क्या लेवल है टेम्परेचर और ऑक्सीजन का। अ वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन वर ऑल्सो वोल्ड अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। द पेशेंट कैन यूज दीज रिसोर्स एंड इन्फॉर्म डॉक्टर अबाउट देयर इलनेस सिटिंग एट द होम। अब मान लीजिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट है ये, अब मान लीजिए कोई पेशेंट, उसको नॉर्मल से COVID-19 के सिम्टम थे, तो वो उसे हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती नहीं किया गया, बट इस ये जो हमारा नया हेल्थ मॉनिटरिंग सेटअप बनाया गया है तो इसके तहत जो पेशेंट है जो घर पे भी, वो भी डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकता कि देखो हमें ये दिक्कत है, प्लीज़ मुझे बताइए क्या करना है, या तो मुझे एम्बुलेंस
मंगा के मुझे आप हॉस्पिटल बुला लीजिए. द सिस्टम इज ऑल्सो मॉनिटरिंग किट टू पेशेंट वैन दे आर सस्पेक्टेड ऑफ कोविड 19. सही बात है. तो अगर कोविड 19 का कोई ग्रस्त रहेगा, अगर लगेगा उसके अंदर कोई सिम्टम्स हैं, तो उसको भी इस क्या कहते हैं ये जो सिस्टम बनाया गया रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसके तहत उसको रखा जाएगा. उसको जो भी प्रॉब्लम है टेम्परेचर से लेकर ऑक्सीजन तक लेवल सब कुछ डॉक्टर ऑटोमेटिकली रिमोटली सब कुछ जान पाएगा. और पेशेंट को जो भी इन्फॉर्मेशन लगती है कि हाँ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत, तो वो भी जाके इन्फॉर्म कर सकता है इस किट की मदद से. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं. इसकी यूज़ क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंस क्या, कितना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये. द किट डिलीवर फॉर होम मॉनिटरिंग विल इशू अलर्ट इफ पेशेंट नीड टू एडमिट इन द हॉस्पिटल. जैसे कि अगर कोई पेशेंट घर पे, अगर उसे लगता है कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत है, तो वो एक तरीके से एक अलर्ट टाइप का, अलार्म टाइप का दे सकता है. उस पेशेंट की प्रोफाइल का अलार्म उस डॉक्टर के पास मॉनिटर पर बच जाएगा और वो जाके एम्बुलेंस को इन्फॉर्म कर देगा इस जगह ये पेशेंट, उसको उठा लाओ. द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च विल ऑल्सो हेल्प टू लोकेट द रीजन इन द स्टेट वेयर द डिसीज इज स्प्रेडिंग. अब जिस जगह, जैसे मान लीजिए जो एप्लीकेशन है, अब मान लीजिए कोई 10 पेशेंट इस जगह होगा, तो कहीं ना कहीं जो भी जिन जिन लोगों के पास वो सॉफ्ट एप्लीकेशन होगा, तो पता चल जाएगा इस रीजन में इतने सारे कोविड 19 के पेशेंट हैं. द सिस्टम इज द फर्स्ट रिमोट सेंसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम इन द सेटअप इन द इंडिया. अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है. द सिस्टम इज करंटली बींग यूज इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मॉनिटर पेशेंट अंडर गोइंग अ हेमोडायलिसिस. ठीक है, अब जैसे कि हीमोडायलिसिस के लिए भी बहुत ज़्यादा ये बाहर यूज़ किया जा रहा है हीमोडायलिसिस के लिए, जिन जिन लोगों को जैसे कोई प्रॉब्लम है, जिन्हें लगता है डॉक्टर के साथ कनेक्ट होने में, और डॉक्टर भी इनसे जान पाता है कि उस पेशेंट का सब कुछ कैसा चल रहा है. ठीक है ना, घर पे पूरी किट लगी है. ठीक है ना, उनको बार बार हॉस्पिटल नहीं आना पड़ा, घर पे पूरी किट लगी डायलिसिस की. ठीक है ना, डॉक्टर को यहाँ से दिख रहा है, बस फ़ोन एक नॉर्मल मैसेज छोड़ने की ज़रूरत रहता है. डॉक्टर को उसकी स्क्रीन पर ही दिखता रहता है पेशेंट का टेम्परेचर, ऑक्सीजन, सारी चीज़ें, बॉडी कैसी है. ठीक है ना, और वहाँ पर जो पेशेंट घर पर है उसके यहाँ पर पूरा एक सेंसर सिस्टम रहता है, सारे सेंसर वगैरह लगे रहते. तो हेमोडायलिसिस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बाहर कंट्रीज में यूज़ किया जाए, बट इंडिया में पहली बार है. ठीक है ना, आइए अब बात कर लेते हैं इंडो यूएस IUSSTF टू एड्रेस कोविड 19 चैलेंज. The IUSSTF Indo-US Science and Technology Forum has invited proposal from India and American scientists. The proposal will demonstrate the value and benefit of Indo-US partnership in COVID-19 research. दोनों अब एक तरीके से अगर देखा जाए तो दोनों लोग मिलकर अब एक तरीके से रिसर्च करेंगे COVID-19 पर. ठीक है, PNI करेंगे. Global partnership and collaboration are bringing together scientists and engineers from different part of the world. Find solution for COVID-19. बहुत अच्छी बात है. The IUSSTF is now encouraging such collaboration to catalyze both India and United States. अब एक तरीके से जो दोनों देश और भी बहुत सारे लोग जो आके मिल रहे हैं इसमें, तो क्या रहेगा, इससे दोनों देशों का आपस में बेनिफिट रहेगा. ठीक है ना, जैसे मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में बताया था जो कोलेब्रेशन हुआ है, मतलब जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है सारे एसोसिएशन की डॉक्टर्स की, इसी प्रीवियस वाली वीडियो में बता रहा हूँ, तो वो भी बेनिफिट रहेगी और ये भी इंडो यूएस जो रिसर्च है वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगी. आइए अब IUSSTF के बारे में थोड़ा सा जान लेते, कहीं ना कहीं आपका GK स्ट्रॉन्ग करेगा ये पोर्शन, देख लेते हैं. द IUSSTF वॉज एस्टेब्लिश इन मार्च 2000. इट वॉज एस्टेब्लिश अंडर द एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड US. बहुत अच्छी बात, ये जरूर नोट करो, अच्छा क्वेश्चन आ सकता है इनडायरेक्ट है. इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ज्वाइंटली फंडेड बाय बोथ गवर्नमेंट. दोनों गवर्नमेंट के द्वारा इसे फंड किया जाता है, ये अच्छे क्वेश्चन है. देखिए इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, इट इज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज, अब जैसे एक क्वेश्चन आ जाए IUSSTF फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक ऑफ डेवलपमेंट एंड USA एंड इंडिया, और भी कोई चाइना, तो आपको क्या करना है, USA एंड इंडिया, बिकॉज बोथ ज्वाइंटली फंडेड. ठीक है ना, इट प्रमोट इंट्रैक्शन बिटवीन गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी. अच्छा क्वेश्चन है. ऑब्जेक्टिव ऑफ IUSSTF, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका. द IUSSTF एम टू क्रिएट अवेयरनेस थ्रू अ एक्सचेंज प्रोग्राम. रही बात, ये US में थे, इन्होंने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी, इंडिया में थे, इन्होंने और भी बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी. जब इनके कोलैबोरेशन हुआ तो इन दोनों ने आपस में कुछ ना कुछ नया एक दूसरे से शेयर किया. इट ऑल्सो इनकरेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू फॉस्टर इनोवेशन. कहने की बात क्या है कि जो भी तकरीबन कहीं ना कहीं इनोवेशन को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, है ना. अब इसमें क्या है कि पब्लिक पार्टनरशिप भी रहती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बहुत सारे ऐसे लोग भी पार्टनर्स रहते हैं जो प्राइवेट रहते हैं, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं ऐसे कि जो बच्चों को मौका देते हैं
कि ऐसी जो गवर्नमेंट की संस्थाएं उनमें जाके काम करें, ठीक है ना, और अपनी नॉलेज को उनसे शेयर करें। नोडल पार्टनर्स, द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द नोडल एजेंसी रिप्रेजेंटेड इंडिया एट ए IUSSTF फ्रॉम US द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। कहने की बात, इंडिया से IUSSTF को कौन रिप्रेजेंट करता है? इंडिया से तो कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। एंड US से US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। अच्छे क्वेश्चन है, आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट, यस यस हाँ यही वाली स्माइल, डोंट फॉरगेट टू स्माइल, हैप्पी लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर। God bless you, take care, all the best.